जय श्री महाकाल मित्रों, कोरोना महामारी की वजह से आज पूरा देश संकट से गुजर रहा है। सबसे ज्यादा किसी पर प्रकोप हुआ है तो वो है हमारा मजदूर भाई, जिसने काफी संकट झेले हैं, जिसने काफी दुख झेले हैं इस कोरोना महामारी की वजह से। आज इस वीडियो में हम आपको महाकाल के चमत्कार की एक ऐसी सत्य घटना बताने वाले हैं, जिसमें महाकाल ने स्वयं आकर हमारे एक मजदूर भाई के परिवार को मरते मरते बचाया है। तो मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखना। मित्रों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। मित्रों, महाकाल के चमत्कार की यह सत्य घटना सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह चमत्कारी घटना हाल ही में दिल्ली में एक कपड़ा फैक्ट्री में चौकीदारी करने वाले परिवार रमेश और उसकी पत्नी कौशल्या की है। रमेश और उसकी पत्नी कौशल्या की एक छोटी 2 साल की बेटी है। हाल ही में कोरोना की महामारी फैल रही होती है और मोदी सरकार ने एकदम से 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया होता है, जिसको सुनकर फैक्ट्री के मालिक ने सभी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को घर जाने को कह दिया होता है और इसी बीच रमेश और उसकी पत्नी को भी घर जाने के लिए कह दिया। और रमेश और उसकी पत्नी तो बिहार में रहते हैं, वे दिल्ली में उसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं। कुल मिलाकर वही फैक्ट्री उनके लिए अपना घर थी और ऐसे में उसी फैक्ट्री से उनका मालिक उन्हें निकाल दे रहा है। ऐसे में फैक्ट्री मालिक से वे विनती करते हैं कि हम आखिर जाएंगे कहाँ, यही तो हमारा घर है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम तो अपने गांव भी नहीं जा सकते, क्योंकि ना ही उस समय रेल चल रही थी, ना ही कोई बस चल रही थी और किसी को आने जाने की इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने बिल्कुल भी नहीं सुना और उन्हें बाहर निकाल दिया। रमेश कहता है फैक्ट्री के मालिक से कि मालिक, हम बाहर चले जाते हैं लेकिन हमें कुछ पैसा तो दे दो, हमारे 1 महीने की तनख्वाह तो दे दो, जिससे हम अपना खाना पीना तो कर सके। लेकिन उन्हें एक पैसा भी नहीं देता है फैक्ट्री का मालिक और धक्के मारकर निकाल देता है और खरी खोटी ऊपर से सुना देता है। फिर भी रमेश और उसकी पत्नी अपनी छोटी 2 साल की बेटी को लेकर आसपास के ही किसी फुटपाथ पर रह रहे होते हैं। करीब 10 दिन वे वहीं बिताते हैं। कोई खाना देने आता तो वे खा लेते, सुबह कोई खाना देने आता तो रात को नहीं आता, रात को कोई खाना देने आता तो सुबह नहीं आता। लेकिन पिछले 3 दिनों से वहाँ पर कोई भी खाना देने नहीं आता है। रमेश और उसकी पत्नी 3 दिन से भूखे रहते हैं। उनकी बेटी को वे कुछ बिस्किट वगैरह खिलाकर सुला देते हैं। रमेश और उसकी पत्नी 3 दिनों से भूखे महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि हे महाकाल, हम यहाँ तक कब तक भूखे प्यासे पड़े रहेंगे, ऐसे तो हम मर जाएंगे, प्लीज़ हमारी विनती सुनो, हमें यहाँ से निकाल दो। और वो यह प्रार्थना करते करते रोते रोते सो जाते हैं, भूख से तड़पते तड़पते। ऐसे में करीब रात की 3 बज रही होती है और अचानक एक कार आती है और उस कार में से एक सेठ जैसा आदमी बाहर निकलता है। अचानक रमेश की नींद खुलती है और जैसे ही वह सामने देखता है, उसको अपना फैक्ट्री का मालिक दिखाई देता है। फैक्ट्री का मालिक कार से निकलते ही रमेश के पैर पकड़ता है और उससे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगता है। कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वह काफ़ी गलत था, मेरी वजह से तुमने काफ़ी तकलीफें झेली है, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर पर ही तुम रहना बाकी बचे हुए दिन, फिर हम वापस फैक्ट्री में काम चालू कर देंगे। यह सुनकर रमेश और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं और वे दोनों अपनी छोटी बेटी को लेकर रमेश के घर जाते हैं। लेकिन रमेश को यह बात सताती है कि आखिर रमेश के जो मालिक, फैक्ट्री का मालिक होता है,
उसको पछतावा कैसे होता है और वो आखिर क्यों आता है उनसे माफ़ी मांगने। यह बात रमेश फैक्ट्री के मालिक से पूछता है तो मालिक बताता है कि जिस दिन से उसने तुम दोनों को फैक्ट्री से निकाल दिया होता है उसी दिन रात से हर रोज करीब रोज 10 दिन से महाकाल उसके सपने में आते हैं और कहते हैं तूने जिन दो लोगों को अपने फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया है वे रोज तड़प रहे हैं, वे भूखे सोए हुए हैं। लेकिन फैक्ट्री का मालिक इन बातों को नज़रअंदाज करता है। उसको धीरे धीरे सुख चैन चला जाता है फैक्ट्री के मालिक का। और आज जब वो सोता है तो कहता है आज जब मैं सो रहा था तब महाकाल फिर से मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरे ऊपर क्रोध किया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आज तूने उन दोनों को नहीं बचाया तो वे मर जाएंगे भूखे भूखे, उनकी 2 साल की बेटी तेरे माथे मर जाएगी। अगर तूने आज उनको नहीं बचाया तो तेरे कर्म इतने खराब होंगे कि इसका तुझे 7 जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर वह नींद में से उठता है और तुरंत अपनी पत्नी को बताता है यह घटना। फिर उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुरंत उन्हें ले कर आओ अपने घर पर। यह सुनकर रमेश और उसकी पत्नी महाकाल का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि यह तो सिर्फ महाकाल का चमत्कार ही था, क्योंकि महाकाल अपने भक्तों को कभी भी तकलीफ में नहीं रहने देते और यह चमत्कार स्वयं महाकाल ने ही किया है जो रमेश के मालिक के सपनों में गए और उनसे कहा कि उन दोनों को अपने घर पर लेके आओ नहीं तो वे भूखे मर जाएंगे। तो मित्रों यह चमत्कार की घटना बिल्कुल सत्य थी। अगर आपको यह घटना पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अगर आपके साथ भी कोई चमत्कारी घटना हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।